नमस्कार, आपका अपना अजीज डॉक्टर उरुक्रम शर्मा। दोस्तों, हम ये मानते हैं कि हमें बहुत साहस है, लेकिन खाली साहस ही सब चीजों का समाधान नहीं है। साहस के साथ साथ बुद्धि का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आप बहुत बड़े पहलवान हैं, बहुत सारी शक्तियां आप में है, लेकिन आपने वक्त के ऊपर बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया तो वो आपका साहस बेकार है। एक लोक कथा के अनुसार आपको बताने की कोशिश करता हूं कि पुराने समय में एक राजा के 100 पुत्र थे और राजा रानी सभी पुत्रों से बराबर प्रेम करते थे। ऐसे में उनके सामने एक समस्या थी कि राज्य का अगला राजा किसे बनाया जाए। जब राजा बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब किसी एक योग्य पुत्र को राजा घोषित कर देना चाहिए, लेकिन बूढ़े राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि 100 पुत्रों में से योग्य राजा को कैसे खोज किया जाए। अब योग्य उम्मीदवार चुनने के लिए राजा ने एक शाम को सभी पुत्रों के लिए एक विशेष शाही भोजन का आयोजन किया और सभी राजकुमार भोजशाला में उपस्थित हो गए। खाने के लिए सभी पुत्र अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। सभी के सामने शाही खाना लगा हुआ था। राजा भोजशाला में छिपकर सारी व्यवस्थाएं देख रहे थे। सभी राजकुमार खाने की शुरुआत करने ही वाले थे तभी भोजन स्थल पर बूढ़े राजा के आदेश से जंगली कुत्ते छोड़ दिए गए। अब वहां जंगली कुत्तों को छोड़कर जो देखा उनको, कुछ राजकुमार खाना छोड़कर उन कुत्तों का शिकार करने लगे, कुछ डर के भाग गए और भोजन स्थल पर सब कुछ बर्बाद हो गया। अब अगली सुबह राजा ने सभी राजकुमारों को दरबार में बुलाया और दरबार में सभी राजकुमार उपस्थित हो गए। राजा ने पुत्रों से पूछा, कल शाम सभी ने खाना खाया या नहीं? कुछ राजकुमारों ने कहा, हम तो खाना ही नहीं खा सके क्योंकि हम कुत्तों का शिकार कर रहे थे। कुछ राजकुमारों ने कहा कि हम कुत्तों से डर गए और अपने प्राण बचाकर भाग गए। अंत में एक राजकुमार ने कहा, महाराज मैंने भोजन किया, खाना बहुत स्वादिष्ट था। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि ऐसे माहौल में तुमने भोजन कैसे कर लिया? जंगली कुत्तों ने तुम्हें कैसे खाने दिया? राजकुमार ने कहा, राजन सभी राजकुमार खाने छोड़कर उठ गए थे, इसी तरह मेरे पास खाने की 99 थालियां थी। जैसे ही कोई जंगली कुत्ता मेरे पास आता मैं एक थाली उन्हें सरका देता और खुद भी खा रहा था। कुछ कुत्तों ने मुझ पर झपटने की कोशिश की तो मैंने उन्हें तलवार से मार दिया। ये जवाब सुनकर सभी दरबारी उस राजकुमार की प्रशंसा करने लगे। राजा ने भी उस राजकुमार को ही नया राजा घोषित कर दिया। सवाल यह है, अगर हम साहस के साथ ही बुद्धि का उपयोग भी करेंगे तो किसी भी काम में आसानी से सफलता हासिल कर सकते हैं। साहस के साथ बुद्धि का गुण व्यक्ति को शिखर तक पहुंचा सकता है। जैसे वो 100 राजकुमार थे, कुछ कुत्तों से डर गए, कुछ कुत्तों का शिकार करने के लिए भाग गए, एक राजकुमार ने अपने साहस के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल किया। कुत्ता आता उसके आगे थाली सरका देता, कोई झपटता तो उसको मार देता और बड़े आसानी से उसने भोजन भी किया। और उसकी इस बुद्धिमता पर ही राजा को ये लग गया कि यही राजकुमार है जो योग्य है, यही व्यक्ति है जो राजपाट को बहुत आसानी से चला सकता है। इसीलिए दोस्तों, साहस के साथ बुद्धि का सही समय पर उपयोग करना बहुत जरूरी है, तभी आप शिखर तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा उन 99 राजकुमारों जैसा हाल होना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता। तय आपको करना है। हम तो बस यही कहेंगे आपसे, बदल लो अपनी जिंदगी को। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।